बाबा जी की बूटी रमन कुमार भल्ला एक और गलत फहमी का शिकार हो गए हैं। लिखे रमन कुमार एक और झांसे में फंस गए हैं और ये झांसा है बाबा जी की बूटी का। बाबा जी की बूटी हाथ लगी है रमन कुमार भल्ला के और इस बूटी से उपचार क्या होगा ये भी हम आपको बताते हैं। बाबा जी की इस बूटी से रमन कुमार भल्ला ये पता करना चाह रहे हैं कि आखिर अशोक का खबरी है कौन। इशिता पे चढ़े शगुन के भूत को लेकर रमन ऑलरेडी एक बाबा के चक्कर में फंस गए थे, लेकिन अब अशोक के खबरी का सच जानने के लिए रमन ने बाबा जी की बूटी का सहारा लिया है। और जरा अब बाबा जी का उपचार भी तो सुनिए। बाबा जी का उपचार ये है कि एक एक इन लकड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर घर वालों के सर के नीचे रख दिया जाए और सुबह उठते ही जिसकी लकड़ी टूटी रही वो अशोक का खबरी होगा। उनकी आत्मा ने बताया कि कोई हमारे ही घर में परिवार में कोई ऐसा है जिसको अशोक ने अपनी तरफ मिला लिया है, उसकी चालों में हमारे कोई फैमिली का सदस्य आ गया है जिसका वो इस्तेमाल करके हमारी योगे चाल चल रहा है। अब वो पता लगाने के लिए हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। और बाबा जी ने कुछ अभी लकड़ी का बताया कि ये लकड़ियाँ जो है लाल कपड़े बांध कर अपने तके के नीचे रखो, तो अगर वो तो लकड़ी सुबह टूट गई तो पता चलेगा कि अशोक के साथ जो तो आदमी मिला हुआ है उसकी लकड़ी टूट जाएगी, जिसकी नहीं टूटी तो वो नहीं मिला हुआ। तो अभी यही सब सिलसिला शुरू हुआ हमारे घर में। रमन जी, हमें ये समझ नहीं आ रहा कि आप पढ़े लिखे हैं और कैसे इस उपचार के झांसे में फंस गए। ये तो लकड़ी है, कोई भी इस पर सर रख के सोएगा तो वो टूटेगी ही ना। वैसे हम इंतजार कर रहे हैं कि बाबा जी की ये लकड़ी आपके लिए कितनी कारगर साबित होती है या फिर बाबा जी का ठुल्लू दिखाती है आपको। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।